कुछ ना कुछ होना चाहिए उसका, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आप देख सकते हैं समय शव को कब्जे में लेकर जाया जा रहा है। बेटी की हालत आप देख सकते हैं, रो रो कर किस तरह से बुरा हाल है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इस परिवार पर, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक बुलेट बाइक वाले ने टक्कर मार दी, जिसके बाद आप देख सकते हैं इनके परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। परिवार के लोग किस तरह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से करनाल के तरावड़ी में ये दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें एक पिता की मौत हो जाती है, उनकी बेटी का रो रोकर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, शक्ति जरूर दे भगवान कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हुआ। आप देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। घर में कमाने वाला वही व्यक्ति था जिनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं उनके छोटे लड़के हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ। जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? मोनी जी। रंग रोगन का काम करते हैं। और आपने काम के लिए जा रहा था पेंट ले करके, पीछे से मतलब के उसने बुलेट वाले ने उसको उठा के मार दिया। तो आप देख सकते हैं, बॉडी को कब्जे में लेकर इस समय तरावड़ी थाना पुलिस जाती हुई नजर आ रही है। पेंट का काम करने वाले मोहन लाल की मौत हो जाती है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तीन छोटे बच्चे हैं और किस तरह से एक बुलेट बाइक सवार एक युवक ने काफी तेज तरीके से जो बाइक चला रहा था उसने टक्कर मार दी, जिसमें आप देख सकते हैं उनकी मौत हो जाती है। पेंट का काम करने वाले मोहन लाल की मौत हो जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम में सर बॉडी को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। दो मोटरसाइकिलों में टक्कर हुई थी। और ये पेंट का काम करते हैं? पेंट का काम। क्या नाम है इनका? मोहन लाल जी। और टक्कर दूसरी बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके बारे इंजर्ड के बारे अभी से पता नहीं है, ना उसके नाम का पता है, ना कोई सूचना मिली है उसकी। हाँ तेजी दोनों मोटरसाइकिल, वो तो आगे जांच का विषय है। नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के तरावड़ी में मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और एक युवक की मौत हो जाती है। और इस समय शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस है वो लेकर जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दो मोटरसाइकिलों की टक्कर जो है बताई जा रही है, पूरे परिवार में मातम पसर जाता है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करमबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या बताना चाहेंगे, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ जी? कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे, भाई सोन लाल है एक और दूसरा एक बुलेट मोटरसाइकिल पे था, इनका एक्सीडेंट होने की हुई थी। मोहन लाल है, अंजन थली रोड पे। तो मौके पे आए थे, इनका पता लग गया, ये हॉस्पिटल में भी ले गए थे, अपने घर ले आए, ये एक्सपायर हो गया। दूसरे वाले की अब तक कोई सूचना नहीं है उसकी। अब तक दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई थी, बुलेट और प्लैटिना की। बुलेट और प्लैटिना मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है। इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं परिवार में मातम पसर जाता है, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार है। आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद समाचार है, इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक बुलेट और एक प्लैटिना मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। पुलिस वाले ने ना वो अरेस्ट करा है, कुछ नहीं करा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करा है तो कहाँ पर है जी, वो बताओ दो। मोटरसाइकिल और बुलेट की होगी। वो लड़का इसमें क्या है? नशा कर रखा था उसने, पीछे से टक्कर मारी। मेरे बच्चों वास्ते बच्चे छोड़ गया, छोटे छोटे, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसका, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अपने बच्चों के लिए बात भी नहीं करी उसने तो, गाड़ी का गुड़का ले गया उसने तो। बहुत ही दुखद समाचार है। एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक प्लैटिना मोटरसाइकिल के बीच में काफी जोरदार तरीके से टक्कर हो जाती है। मोटरसाइकिल वाला फरार बताया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं परिवार में मातम पसर जाता है। उनके परिवार की बेटी की हालत आप देख सकते हैं,
रो रोकर बुरा हाल है और इस समय शव को लेकर जाया जा रहा है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं समय शव को कब्जे में लेकर लेकर जाया जा रहा है। बेटी की हालत आप देख सकते हैं, रो रोकर किस तरह से बुरा हाल है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इस परिवार पर, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। एक बुलेट बाइक वाले ने टक्कर मार दी जिसके बाद आप देख सकते हैं इनके परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। परिवार के लोग किस तरह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह से करनाल के तरावड़ी में ये दर्दनाक हादसा होता है जिसमें एक पिता की मौत हो जाती है। उनकी बेटी का रो रोकर बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, शक्ति जरूर दे भगवान कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। घर में कमाने वाला वही व्यक्ति था जिनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं उनके छोटे लड़के हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ जिनकी मौत हुई है। उनका क्या नाम है? मोनी जी। रंग रोगन का काम करते हैं और आपने काम के लिए जा रहा था पेंट ले करके, पीछे से मतलब के उसने बुलेट डाले ने उसको उठा के मार दिया। मोटर फरार है, मैं नहीं पता फरार है कहाँ है कहाँ नहीं है। मोहनलाल पेंट का काम करते थे। उनकी होगी ये कोई 40 के करीब 40-45 से। छोटे छोटे बच्चे ये इसकी मिसिज है, ये इसकी मिसिज है, बड़ी गुड़िया ये तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पेंट का काम करने वाले मोहनलाल की मौत हो जाती है। दो बच्चे हैं, एक बेटी है। आप देख सकते हैं रो रोकर कितना बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आस पड़ोस के तमाम लोग किस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं। बहन जी दो बच्चे हैं इनके, जो छोटे लड़के हैं, एक लड़की है, बड़ी छोटे लड़के हैं, बड़ी लड़की है। बहुत ही दुखद हादसा हुआ। हाँ जी बहुत बहुत होया, पूरी लुही गया। 5 मिनट के अंदर चाय पड़ी रखी है। महा कितने बजे हादसा हुआ था? ये 4:30-5 बजे के बाद है जी। तो ये मोटरसाइकिल पे थे अपने? हाँ जी मोटरसाइकिल पे था जी। और पेंट का काम करते? पेंट का काम करे। बुलेट वाला अकेला था? हाँ अकेला था जी, बुलेट वाला भी। तो काफी तेज चला रहा था? काफी तेज चला रहा था जी। उसकी भी खुद की भी टांग टूटी हुई जी, इतनी जोर की टक्कर थी। उसको पहले ले गए जी, इसको बाद में ले गए जी। इसको कोई किसी ने उठाया भी नहीं जी वहाँ मौके में। इसका काम के पास ही एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे काम करते थे बिल्कुल पास ही हुआ उसके एक्सीडेंट में, वहीं बैठे एक्सीडेंट हुआ मोड़ पे सामने। वो चाय मुंगा रखी थी उन्होंने, वो उनको जल्दी आ जाओ उन्होंने अपना बस ये है। बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और किस तरह से पूरे इलाके के लोग यहां पर मौजूद हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉडी को कब्जे में लेकर इस समय तरावड़ी थाना पुलिस जाती हुई नजर आ रही है। पेंट का काम करने वाले मोहनलाल की मौत हो जाती है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 3 छोटे बच्चे हैं और किस तरह से एक बुलेट बाइक सवार एक व्यक्ति ने, एक युवक ने काफी तेज तरीके से जो बाइक चला रहा था उसने टक्कर मार दी जिसमें आप देख सकते हैं उनकी मौत हो जाती है। पेंट का काम करने वाले मोहनलाल की मौत हो जाती है और इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम में सर बॉडी को कब्जे में ले लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया जी। दो मोटरसाइकिलों में टक्कर हुई थी सर? ये दो मोटरसाइकिलों में जी। और ये पेंट का काम करते हैं? पेंट का काम। क्या नाम है इनका? मोहनलाल जी। और टक्कर दूसरी बुलेट मोटरसाइकिल? बुलेट मोटरसाइकिल है। उसके बारे इंजर्ड के बारे अभी से पता नहीं है, ना उसके नाम का पता है, ना कोई सूचना मिली है उसकी। हाँ तेजी दोनों मोटरसाइकिल, वो तो आगे जांच का विषय है। आप देख सकते हैं करमबीर सिंह है, सब इंस्पेक्टर है। क्या कुछ कार्रवाई अब आप चाहेंगे, क्या कहते हैं इस पे कार्रवाई हो? बस मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती है लोगों से, और कुछ नहीं चाहते। अब अच्छी तरह कार्रवाई करे, वो अपने शासन भी करे और भी ये सब करे भाई मेरे पुलिस वाले। अच्छा प्यार बना दिखाए, मेरे को ये करके दिखाए काम जो भी है।
बहुत दर्द ना सा है। ये दो लड़के हैं, एक लड़की है, दो लड़के हैं जी, छोटे हैं, छोटे हैं। कितने देर पहले हादसा हुआ? ये 5 बजे के और 4 बजे के और 5 बजे के बीच में हुआ है। तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के तरावड़ी में, समय मौजूद थे जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 मोटरसाइकिलों के बीच में बड़ी भयानक टक्कर होती है। आरोप यह है कि बुलेट बाइक वाला काफी तेज तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था कि सामने से आ रहे मोहन लाल जो पेंट का काम करते हैं, 40 साल के करीब उनकी उम्र है, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं और किस तरह से उनको काफी जोरदार तरीके से टक्कर मारी जिसमें मोहन लाल की मौत हो जाती है। उस समय उनके शव को पहले सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनकी मौत हो गई, उसके बाद घर लेकर आए गए शव को, और उसके बाद पुलिस जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में ले गई है। और हालांकि बुलेट मोटरसाइकिल वाले के खिलाफ परिवार के लोग कार्रवाई की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जानकारी मिली कि बुलेट मोटरसाइकिल वाला जो नौजवान युवक था उसकी भी टांग में फ्रैक्चर आया है, उसकी भी टांग टूटी है। और तमाम आप देख सकते हैं आस पड़ोस के जो लोग हैं काफी ज्यादा दुखी है, पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं, सभी की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। उनकी परिवार की महिला आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी का रो रोकर बहुत बुरा हाल है क्योंकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उस परिवार पर दुखों का जो है पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं पेंट का काम करने वाले मोहन लाल जिनकी मौत हो जाती है, एक बेटी और 2 बेटे बताए जा रहे हैं। हादसा बहुत ही दर्दनाक हुआ है जिसकी तस्वीरें समय करनाल के तरावड़ी से आप देख सकते हैं। पेंट का काम करने वाले मोहन लाल जो अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल पर बताया जा रहा है कि काम पर जा रहे थे, एक बुलेट मोटरसाइकिल वाला जो काफी तेज तरीके से मोटरसाइकिल चला रहा था, आमने सामने की टक्कर होती है और किस तरह से मोहन लाल की मौत हो जाती है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं पूरे इलाके के जो तमाम लोग हैं, और ये बताया जा रहा है कि चाय पीने आ रहे थे, चाय छोड़कर ही गए थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अभी 5 मिनट पहले यहीं पर थे जब वो गए हैं, काम पे लग रहे थे ना, वही चाय बनी पड़ी थी, उन्होंने रोका कि चाय पी के जा जोन से और दूसरे थे तो कहने लगे 5 मिनट के अंदर अंदर मैं बुर्च लेके आ रहा, पेंट लेके आ रहा, 5 मिनट में इतना फोन भी आ गया, उन्होंने चाय भी नहीं पूरी पी, इतने में खत्म भी हो गया वो, मौके पे ही मौत हो गई। हाँ, मौके पे ही हो गई थी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़के 1 लड़की है। 2 लड़के और 1 लड़की है, आप देख सकते हैं परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मोहन लाल जो पेंट का काम करते थे उनकी इस हुए दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है, 1 बेटी और 2 बेटे बताए जा रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है, तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।